हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल दवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीडी मशीन्स। देखिए, ये हमारी कंपनी का मेजरिंग माइक्रोस्कोप है जो हम लोगों ने चेन्नई मेट्रो में इंस्टॉल किया है। अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए, पहला फीचर तो है कि इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसको यूज करके इसको आप शिफ्ट भी कर, ये जो यूनिट है पूरा ये माइक्रोस्कोप यूनिट है और यहाँ पे आप जो पीसीबी है उसको रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से आप पीछे की तरफ दिखाइए, एक बार इस पूरे हेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको घुमा के इसको पूरा बिल्कुल टाइट रखना है ताकि ये स्लिप ना करे। दूसरा, इसको आप जूम इन जूम आउट मैनुअली कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे परफेक्ट पिक्चर आए वहाँ पे आप इसको सेट कर दें। ये लाइट का सिस्टम है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको माइक्रोस्कोप यूज करके देखना है तो सबसे पहला काम जो होता है इसको हम लोग इल्यूमिनेट करते हैं, तो इल्यूमिनेशन का ये सोर्स है। इसके लाइट को आप कम या अधिक भी कर सकते हैं, इसे यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। ये 24 वोल्ट का 12 वोल्ट का हमारा अडेप्टर रेगुलेटर है, इसको रेगुलेट करके आप लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे जो बेस्ट फीचर इस माइक्रोस्कोप का है, इसमें 3D इमेजिंग यूनिट है। जैसे आप देखेंगे कि अभी आप बोर्ड फ्लैट आपको इमेज दिख रहा है, अगर आपको 3D पिक्चर देखना है, 3D देखना है, 3D आपको साइड से व्यूज देखने हैं, आप इसको स्लिप कर देंगे, अब ये 3D मोड में आ गया, ठीक है। और फिर इसको अगर घुमाएंगे आप ऐसे तो आपको 3D व्यू मिलेगा ऑब्जेक्ट का। इसको आप घुमाएंगे चारों तरफ से आप व्यूज इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके आप जब रिवर्क करते हैं किसी भी IC को तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग हुआ है या नहीं हुआ है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तीनों चारों डायरेक्शन में आप इसको व्यू कर सकते हैं। आप देखिए, काफ़ी अच्छा फीचर है ये, काफ़ी रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे हाई एंड काम हो रहा है। और फिर वापस आप इसको अगर 2D मोड में करना है तो ऐसे आप स्लिप कर दें, ये काफ़ी अच्छा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट 3D माइक्रोस्कोप, इसको 3D माइक्रोस्कोप हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इसका जो अंदर सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूँ। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे एक बार दिखाइए, यहाँ से आप इसका जो है मैग्नीफिकेशन चेंज कर सकते हैं। अभी 0.7x है, आप इसको मैग्नीफाई करेंगे ये आपका 1x पे जाएगा, ठीक है। ये 1.25x पे जाएगा, ये 1.25x है। अलग अलग मैग्नीफिकेशन का यहाँ लेंस का मैग्नीफिकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे 0.7x, यही इमेज आपका 1x पे आ जाएगा। सेम इमेज यू गेट इट एट 1.25x। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन अवेलेबल इज 1.5x, देन 2.1x, देन 2.5x, 4x, ये 5x तक जा रहा है, ठीक है। तो 0.7 से लेके 5x तक इसका मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन आप यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। ये इसका पूरा कंट्रोल बॉक्स है, ये आपका एक तरह से कैमरा हो गया जो फुटेज ले रहा है और आपको डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ से HDMI केबल के थ्रू इसका फुटेज हम लोग मोनिटर में ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे एक पेन ड्राइव भी लगा हुआ है, कोई भी फुटेज का जो है जो भी काम करें उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो रिकॉर्डिंग आपको इस इसके पीछे जो पेन ड्राइव लगा हुआ है उसमें आप सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया फिजिकल, इसका डिस्क्रिप्शन जो माइक्रोस्कोप है उसका क्या डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप आ जाइए यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से जूम इन है, जूम आउट है, ये माउस यहाँ पे दे रखा है, ब्लूटूथ माउस है, इसका एक यूनिट पीछे लगा हुआ है ब्लूटूथ का जो रिसीवर है, और ये माउस है जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको माउस के जो व्हील है, व्हील को अगर ऐसे आप घुमाते हैं तो जूम आउट हो गया, यहाँ से जूम इन हो रहा है, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिया हुआ आपको, यहाँ से भी आप जूम इन कर सकते हैं। यहाँ से आप माइनस पर क्लिक करेंगे ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट यहाँ से भी कर सकते हैं, और जो माउस का व्हील है उसको रोटेट करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये फुटेज जो है, इमेज जो है, यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट है आपका PCB, इसका इमेज को अगर फोर क्वार्टर में देखना चाहते हैं तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ये चार क्वार्टर में, सेम इमेज चार क्वार्टर में आ गया। अगर आप इमेज को डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे डिवीजन इज फॉर कंपेयरिंग, आप देखिए पहले इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, पहली बार क्लिक करेंगे ये चार क्वार्टर में कन्वर्ट हो गया स्क्रीन,
जैसे यूजली सिक्स डिवीज में होता है वैसे ही ये चार क्वार्टर में आ गया। वापस से क्लिक करेंगे ये फिर से आप सिंगल फुल स्क्रीन इमेज बन जाएगा आपका, ठीक है। जूमी जूम आउट मैंने बता दिया आपको, यहाँ से भी कर सकते हैं और व्हील को घुमा के भी कर सकते हैं। अगर इमेज को फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से, अगर स्टडी करना है तो इमेज पर फ्रीज कर दीजिए, ताकि अगर मान लो यहाँ से कोई हिला भी दे तो आपको सेम इमेज यहाँ अवेलेबल रहेगा। तो ये फ्रीज कर दिया हमने। अब यहाँ से देखिए ये ऑप्शन जो HDR का है, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल इमेज है, पहले फ्रीज हो रखा है तो अभी कुछ कर नहीं सकते, इसको वापस से क्लिक करेंगे अनफ्रीज हो जाएगा, ये अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इमेज के दो रिजोल्यूशन में देख सकते हैं आप, HDR ये HD इमेज है, ठीक है। HDR पे क्लिक करेंगे तो HD इमेज अवेलेबल हो जाएगा, नॉर्मल इमेज वापस से क्लिक करेंगे नॉर्मल इमेज पर आ जाएगा, ठीक है। देन इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट का आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, जैसे आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे ये इसका स्नैपशॉट आ जाएगा। आइए स्नैपशॉट ये पेनड्राइव जो लगा है उसमें जाके सेव हो जाएगा। तो ऐसे कितने भी ये स्नैपशॉट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। देन आप जो भी काम कर रहे हैं आप चाहें तो उसका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप रिकॉर्ड का जो यहाँ पर टैब अवेलेबल है उस पर क्लिक करिए तो ये रिकॉर्डिंग चालू हो गया। यहाँ पे देखिए चल रहा है रिकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाद में अगर रेफर करना है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग का सारा फुटेज जो है पेनड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। वापस इसको क्लिक करेंगे ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैसेज डिस्प्ले हो गया, रिकॉर्डिंग हैज बीन सक्सेसफुल, ठीक। जो भी रिकॉर्डिंग या जो स्नैपशॉट लिया है अगर आप देखना चाहते हैं, ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में आपको सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा, या जो भी आपने इमेज लिया है, फोटो खींचा है या वीडियो बनाया है, वो सारा यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से रिकॉर्डिंग देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप सारा रिकॉर्डिंग प्रीवियस रिकॉर्डिंग से चेक कर सकते हैं दोबारा से, जो इसमें कई सारे ऑलरेडी सेव्ड हो रखा है, ये देखिए अलग अलग पेजेस में है। एक पेज में आपको 12 डिस्प्ले हो रहा है, नेक्स्ट पेज में फिर 12 डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे ऐसे जितने रिकॉर्डिंग होते जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ता जाएगा मेमोरी के अंदर, ठीक है। अगला पेज में जाना तो यहाँ से भी जा सकते हैं आप, ये नेक्स्ट पेज तक है, थर्ड पेज, सेकंड पेज, फर्स्ट पेज, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। किसी पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट का भी बटन दबा सकते हैं, तो आपका वो जो यूज़ का नहीं है वो आपका डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग को रोकना चाहते हैं तो यहाँ से रुक जाएगा, यहाँ वापस क्लिक करेंगे चलने लगेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये वापस पीछे आना है, यहाँ से आप पीछे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ब्राउज़र का फीचर हो गया। पेजेस आगे जाने के लिए यहाँ प्रेस करेंगे, जैसे यूट्यूब में होता है वैसे ही यहाँ पे है, पीछे आना है पीछे जा सकते हैं। किसी पेज को डिलीट करना है आप यहाँ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वापस से सेटिंग पेज पे स्क्रीन पे आना है, यहाँ पे आप ये जो बैक का बटन है ये प्रेस कर देंगे, प्रेस करेंगे आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने सारा ये देख लिया, हमने रिकॉर्ड स्नैपशॉट देख लिया, मैग्नीफायर का भी देख लिया। मैग्नीफायर एक अच्छा फीचर है, देखिए मैग्नीफायर क्या है, कोई भी पार्ट को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं, आप जो माउस है माउस को उस जगह पर लेके जाएंगे तो वो मैग्नीफाई हो जाएगा। माउस को जैसे यहाँ क्यू पे लेके गए हम लोग, क्यू आप ध्यान दीजिए जिस पार्ट को मैग्नीफाई करना है वहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे, कर्सर यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे मैग्नीफाई हो जाएगा। आर को मैग्नीफाई करना है या आर यहाँ पे कर्सर प्लेस कीजिए, ये मैग्नीफाई हो जाएगा। आप इसको मैग्नीफाई करना चाहते हैं जिस पोर्शन को आपको मैग्नीफाई करना है, कोई लेटर है आपको पढ़ने में नहीं आ रहा, आप यहाँ से मैग्नीफाई कर सकते हैं। दिस इज नाइस फीचर विच यू हैव इन दिस मशीन। आप हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करें लेफ्ट बटन से करना, वापस आने के लिए राइट वाला क्लिक करेंगे तो वापस से आ जाएंगे इस स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे आपको फिर से बता दूँ मैं आपको, जैसे आपको ये क्लिक करना है, अगर ऐसे मैग्नीफिकेशन करना है आप ये मैग्नीफिकेशन का टूल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। वापस से पीछे जाना है आप राइट क्लिक वाला बटन प्रेस कर दीजिए, वापस से आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है तो आप इसको इसे इसको क्लिक करेंगे तो लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, वापस से उस पेज पे अगर आना है तो राइट बटन क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके आउटर जो टैब्स बने हुए हैं उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, स्नैपशॉट, रिकॉर्डिंग, मैग्नीफायर बता दिया आपको, डिवीजन दो भाग में डिवाइड, अच्छा डिवीजन का मैं बता दूंगा आपको एक बार। डिवीज़न में देखिए क्या है कि एक अच्छा ऑप्शन है डिवीज़न, मैं बता कि थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लो ये स्क्रीन है, ठीक है, और आपको एक पहले का मान लो ये फॉल्टी स्क्रीन, फॉल्टी पीसीबी है, जैसे फॉल्टी पीसीबी, और ये फॉल्टी पीसीबी को आपको कंपेयर करना है
ऐसे पीसीबी से जो करेक्ट है, अगर वो उसका इमेज आपके पास अवेलेबल है, आप क्या करेंगे, स्क्रीन को ये टैब का यूज़ करेंगे, डिवीजन, ठीक है। इसमें देखिए आपको ये तो आ गया जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ उसका इमेज है। दूसरा, आप अपने जो आपके पास सेव्ड इमेजेस हैं, ठीक है, उससे अगर इस इमेज को कंपेयर करना है, ये इमेज हो गया जो लाइव इमेज, लाइव ऑब्जेक्ट जो यहाँ प्लेस है उसका इमेज हो गया। अगर इसका कंपेरिजन करना है आपको सेव्ड इमेजेस से, आप उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए ये सारा देखिए चेंज हो रहा है, ये आपके इमेज मेमोरी में है, ठीक है। आप जिसको सेलेक्ट करेंगे वो लेफ्ट हाफ में आ जाएगा, ये इमेज जो है राइट स्क्रीन के राइट हाफ में आएगा, और उसके पहले वाला इमेज जो है स्क्रीन के लेफ्ट हाफ में आ जाएगा। जैसे मान लो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, तो ये आपको देखिए ये इमेज सेव्ड इमेज है आपका, और ये आपका प्रेजेंट इमेज है, ये आपका पहले का इमेज सेव हो रखा है वो है। जैसे अगर इसको मान लो मैं हिलाता हूँ, देखिए आप ये चेंज होगा, ठीक है। लेफ्ट वाला इमेज आपका मेमोरी से उठाया है, और ये राइट जो इमेज है वो लाइव जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसका इमेज है आपका, ठीक है। तो इसे राइट गुड ऑप्शन, मतलब आपको कोई फॉल्टी बोर्ड है, आप कोई उसी बोर्ड का करेक्ट इमेज आपके पास अवेलेबल है, आप उसको कंपेयर करके आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट लाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज वन नाइस फंक्शन विच वी हैव इन दिस मशीन। बैक में जाएंगे, वापस से आपको आ जाएगा राइट क्लिक, इसको अच्छा इसको सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अभी नो कर देता हूँ, वापस से आ जाइए, ये स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आउटर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारा आपके पास, सारा का बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए जो बीच में चार जो टैब हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये तो ऑपरेशन के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैं ये आपको बताता हूँ। ये देखिए ए ई, ये आपका एक्सपोजर का है, जैसे ये देखिए मैनुअल एक्सपोजर है। आप इसको लाइट अगर कम अधिक करेंगे ये आपका चेंज होगा, जितना लाइट होगा, ये मैनुअल हम एक्सपोजर को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मोड में जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ये ऑटो एक्सपोजर, देखिए यहाँ बटन आ गया ना, ऑटो एक्सपोजर, ये ऑटो एक्सपोजर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो में ही काम करें, मैनुअल में नहीं, ऑटो में काम कीजिए, बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से आप चेंज करेंगे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको बता दूं, यहाँ पे ए डब्ल्यू बी, वाइट बैलेंस, वाइट बैलेंस जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इमेज का जो कंट्रास्ट वगैरह है, वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक मैनुअल, ठीक है, ऑटोमेटिक में जा सकते हैं, मैनुअल इसका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एक सेटिंग में जाइए आप, और आप चाहें तो इमेज का प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ऑटो में ये सारा कंपनी से सेट होके आ रहा है आपका, रेड ग्रीन ब्लू का कितना ह्यू होना चाहिए, ये सब आपको सेट। अगर आपको बहुत अधिक जानकारी है आप इसे अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस पर क्लिक करेंगे वन पुश पे, तो आप ये सारा आइटम चेंज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इमेज का क्वालिटी आपका वेरी करेगा। बट अगर आपको इमेज का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इमेज का कंट्रास्ट इस का नॉलेज नहीं है, आप सीधे ऑटो इमेज काम कीजिए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको, ये कंपनी से सेट होकर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको और इमेज का बहुत अधिक नॉलेज है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप ऑटो में काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ देखिए, एक इसमें ऑप्शन है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने स्पेशली ये इसे ये देखिए होल सेमी सर्कल टाइप का है, इसको आप फ्लिप करना चाहते हैं। जैसे अगर इसको आप चाहे एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट अगर इसको फ्लिप करना चाहें, तो ऐसे फ्लिप कर सकते हैं, ये इन्वर्ट हो गया इमेज, एक्स एक्सिस के अबाउट इन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप अगर वाई एक्सिस के अबाउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस के अबाउट इसका इन्वर्जन हो गया, ठीक। मोनो है कि जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में चाहते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज आ गया, ये आपका एक्चुअल इमेज है, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये सेटिंग इसका अवेलेबल है। एक्सपोजर कंट्रोल ऑटो में रखिए, मैनुअल करेंगे तो मैनुअल आपको सारा सेट करना पड़ेगा। एक्सपोजर मतलब कितना लाइट माइक्रोस्कोप में जा रहा है, तो अगर ऑटो करेंगे तो अपने आप को एडजस्ट करके बेस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो आपको दिखाएगा इमेज। मैनुअल में जाएंगे तो आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लाइट एडजस्ट करके आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी लाइट आपको चाहिए उस हिसाब से यहाँ से सेट करेंगे, ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। ऑटो में जैसे ये आपको लाइट मैनुअली आप एक्सपोजर को सेट कर रहे हैं, ऑटो में जाएंगे आपको जो सॉफ्टवेयर इसका है वो डिसाइड करेगा कितना लाइट को अलाउ करेगा ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल इमेज बनेगा, तो ये ऑटो मोड पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो मोड में ही काम करें, इसको भी ऑटो मोड में रखें आप, ठीक है।
अगर आपको मिरर इमेज चाहिए, अगर फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिप मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट आप इन्वर्ट कर रहे हैं इमेज को. मिरर मीन्स अब वाई एक्सिस के अबाउट, जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट आप इमेज के फ्लिप कर रहे हैं. ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है. और फ्लिप में क्या, ये ऐसे है तो ये ऐसे है, मतलब ये आपको इन्वर्ट हो जाएगा. जैसे ऐसे ऐसे तो आपको करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे आ जाएगा. ये जो ये नीचे आ जाएगा, ये इन्वर्जन हो जाता है, ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है. अच्छा, दूसरा ये तो हो गया आपको इमेज के बारे में. फ्लैग्स का देखिए, ये थोड़ा सा एकदम से समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा मैं आपको. ये देखिए सेंटर रूलर है, ये देखिए कॉर्नर सिस्टम ड्रा हो गया. ये ऑरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पूरा रूलर ड्रा हो गया. स्केल वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ऐसे ड्रा हो गया. तो कई बार इसका जरूरत पड़ सकता है आपको मेजरमेंट लेते समय, तो आप चाहे तो इसको रूलर को इनेबल कर सकते हैं. इसको चेक करेंगे, ये सेंटर रूलर इनेबल हो जाएगा, अनचेक करेंगे गायब हो जाएगा, ठीक है. अगर इसको चेक कर दिया तो ऐसे हो जाएगा. अच्छा, दूसरा कुछ लाइन्स आप चाहें तो, जैसे कोई भी कॉम्पोनेंट को मार्क करना है तो आप इन लाइन्स का यूज कर सकते हैं. जैसे इसमें भी 8 तरह का प्रोफाइल आप बना सकते हैं लाइन्स का. जैसे मैं आपको इसको अनचेक करके बताता हूँ. जैसे ये आपका ऐसे अनचेक हो गया. अब ये कई लाइन्स हैं इसमें अवेलेबल है, ये लाइन्स है, इसको अप्लाई कर देंगे हम लोग. अब ये कोई भी कंपोनेंट को अगर आपको प्लेस, इस लाइन्स को आप मूव कर सकते हैं. लाइन्स को ये देखिए, मान लो जैसे ये आपका, अगर हम लोग को इसको डिनोट करना तो यहाँ पे जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन से इस कंपोनेंट को यहाँ मार्क कर सकते हैं, ठीक है. ऐसे सारे लाइन्स है यूज कर सकते हैं आप. इन लाइन्स को मूव भी कर सकते हैं आप, लोकेट करने के लिए, कंपोनेंट को लोकेट करने के लिए आप इन लाइन्स का यूज कर सकते हैं. अच्छा, इन लाइंस का आप थिकनेस और कलर भी चेंज कर सकते हो. आप सेटिंग में जाएंगे, फ्लैग में जाइए और इसका कलर चेंज कर सकते हैं हर लाइंस का. जैसे आप क्रॉस लाइन आपका ये हो गया बीच का, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ पहले. आप देखिए इसको अनचेक कर रहा हूँ, क्रॉस लाइन आपका बीच वाला है, ठीक है. इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं. कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर लिया आपने. थिकनेस चेंज करना है, यहाँ से थिकनेस चेंज कर लेंगे, ठीक है. तो क्रॉस लाइन्स का भी थिकनेस चेंज कर सकते हैं. आप चाहें तो एक एक लाइन का थिकनेस और कलर चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे आपको हमें पहला हॉरिजॉन्टल लाइन का थिकनेस चेंज करना है. पहला हॉरिजॉन्टल ये हो गया, इसका कलर अभी रेड है, इसको हम चाहें तो दूसरा कलर कर सकते हैं. मान लो ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया. इसका थिकनेस चेंज करना है, इसका थिकनेस चेंज कर सकते हैं. इसको मान लो हेयर लाइन करना है, थिकनेस चेंज हो गया यहाँ पे. तो इस तरह से सारे लाइन्स का थिकनेस और सारे लाइन्स का कलर, 8 हॉरिजॉन्टल लाइन, 8 वर्टिकल लाइन, सभी का आप कलर और थिकनेस चेंज कर सकते हैं. जो भी आपने सेटिंग किया है उसको आप प्रोफाइल में ऐसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, 8 तरह का प्रोफाइल बना सकते हैं इन लाइंस का, ठीक है. बेस्ड ऑन थिकनेस एंड कलर आप इस तरह का ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है आपको? ये ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, वो सारा थिकनेस और वो सारा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा. आप हर ग्रुप में, जैसे मान लो ये ग्रुप आप से ग्रुप 7 कर सकते हैं, ग्रुप 7 में एक एक लाइन है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसा है. 5 लाइन हो गया, ये इतना अप्लाई होगा. अभी उसको अनचेक नहीं किया था मैंने, यहाँ से कर दीजिए, ये आपका चेक कर देंगे ऐसे. तो आप देखिए 4 लाइन्स हॉरिजॉन्टल, 6 लाइन वर्टिकल, ऐसे ड्रॉ हो गया. अगर दिख नहीं रहा है तो एक एक लाइन का आप थिकनेस और कलर को चेंज कर सकते हैं और उसको प्रोफाइल का 8 तरह का प्रोफाइल इसमें पॉसिबिलिटी है. 8 में आप इस तरह से नेमिंग करके इसको अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा. उसको हटाना चाहते हैं इसको अनचेक कर दीजिए आप, यहाँ से अनचेक कर दीजिए, ठीक है. इमेज हो गया, फ्लैग हो गया. अदर में जाएंगे, अदर में आपको सजेस्ट करूंगा इसको कुछ मत करिए, ठीक है. आप देखिए इसमें कुछ है नहीं. अभी जो इमेज आप बन रहा है वो IMG, ये उसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में बन रहा है. मैनुअल में क्या है कि आपको इमेज का नाम दे सकते हैं. अगर आप इमेज का नाम देना चाहते हैं आप मैनुअल चेक कर दीजिए. ऑटो में रखेंगे तो अपने आप इमेज का नाम ले लेगा, ठीक है. इसको चेंज मत कीजिए. मोनिटर जो भी यूज कर रहे हैं, अगर 21 इंच का मोनिटर यूज कर रहे हैं तो 21.5 ले लीजिए. 19 इंच का करना है तो 19 इंच कर सकते हैं आप, ठीक है. तो बेस्ड ऑन कौन सा मोनिटर आप यूज़ कर रहे हैं वो आप इसमें कर सकते हैं. लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. इंग्लिश है, चाइनीज है, जापानीज है, तो आप इंग्लिश यूज करिए, ठीक है. इंग्लिश जान कर दो, ठीक है. ये आ गया, ठीक है. 3 अब देखिए ये मेजर वाला टैग डिस्कस करते हैं. ये एक्सपोजर का हो गया, तो फिर से देख लीजिए एक्सपोजर का है ये. मैनुअल ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगा आपको. एक्सपोजर का करेंगे, एक्सपोजर ये ऑटो एक्सपोजर हो गया, ये मैनुअल एक्सपोजर हो गया, ठीक है. मैनुअल एक्सपोजर में आप लाइट यहाँ से
वेरी कर सकते हैं, वेरी करेंगे। ऑटो एक्सपोजर में आपको, एक्सपोजर का मतलब होता है कितना लाइट जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जाएगा, ठीक है, जो लेंस के थ्रू कितना लाइट जाएगा इसको एक तो खुद से सिस्टम खुद से डिसाइड करता है कितना लाइट का एंट्री होगा ताकि बेस्ट इमेज मिलेगा आपको, एक मैनुअली भी आप वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर ऑटो कर देंगे तो ये अपने आप डिसाइड करेगा कितना लाइट को लेना है अंदर ताकि बेस्ट इमेज मिले, और अगर इसको ऑफ कर देंगे मैनुअल तो ये ऑटो एक्सपोजर का जो ऑप्शन है, ऑटो एक्सपोजर का जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है वो बंद हो जाएगा, या आप मैनुअली लाइट को एडजस्ट करके आप डिसाइड करें कितना लाइट को अंदर भेजना है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको ऑटो पर रखिए, ठीक है, ऑटो एक्सपोजर में रखिए ताकि बेस्ट इमेज आपको मिलता रहे, ठीक है। सेटिंग आपको बता दिया मैंने और वाइट बैलेंस का भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आप मेजर पे आ जाइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है, क्योंकि इसको मेजरिंग माइक्रोस्कोप बोला जाता है तो इसको मेजरमेंट में आपको हेल्प करता है। अब देखिए ये सब मेजरिंग टूल्स हैं, ये सब आपको मेजरिंग टूल्स दिया हुआ है। जैसे देखिए लाइन है, अब लाइन आप यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है, देखो L1 ये लाइन का नंबर हो गया 1055.08 मिलीमीटर, ये लाइन का लेंथ हो गया, जो लाइन आपने ड्रॉ किया है उसका लेंथ हो गया ये, ठीक है, लाइन का एक ही प्रॉपर्टी है लेंथ, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक कर देंगे वापस से ये मेन्यू आ जाएगा, ठीक है, तो ये लाइन का आ गया। अच्छा, इसको आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं तो अंडू कर दीजिए, ये हट जाएगा यहाँ से, अंडू हो गया, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले लाइन ये सारे इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये लाइन्स हैं, लाइन्स आप ड्रॉ करके, आप अगर दो कॉम्पोनेंट के बीच दूरी देखना चाहते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ दूरी देखना चाहते हैं, इसको पहले यहाँ से, यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस देखना चाहते हैं, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ये आपको लेंथ आ गया, लेंथ थोड़ा सा दिख नहीं रहा बट ये आ गया लेंथ 1.1397, इन दोनों कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस 13.97 है, ठीक, मेजर वाला इसको पहले हटाते हैं, ठीक है, नहीं वो लाइन का नंबर दिखा नहीं है। अब देखिए हम लोग मेजर का जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं, ये मेजर पे क्लिक करेंगे, ये मेजरिंग टूल्स अवेलेबल है, दिया था मेजरिंग टूल्स अवेलेबल टू में। अब मान लो जैसे लाइन सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग लाइन ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, देखिए आप फॉर्मेट क्या है, लाइन नंबर है L1 और ये आपको लेंथ दिया 474.81 मिलीमीटर, ये लाइन का लेंथ हो गया, ठीक है। इस तरह से आप दो कॉम्पोनेंट के बीच में मान लो इसका दूरी, दोनों के बीच का दूरी देखना चाहते हो आप, इसके एज से आप एक लाइन ड्रा कर दिया आपने, ठीक है, ये आपको L2 लाइन से, ये L1 लाइन से L2 लाइन है 155.05 मिलीमीटर, इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं लाइन, ठीक है, राइट क्लिक कर देंगे वापस से मेन्यू आ जाएगा। अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस देखना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने एक लाइन यहाँ ड्रा किया, ठीक है, दूसरा लाइन हमने मान लो यहाँ ड्रा किया, अब ये देखो डिस्टेंस आ गया आपका, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस 1086.31 मिलीमीटर है, तो दो लाइंस के बीच का ये दूरी आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप दो लाइन के बीच का दूरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक कर देंगे वापस से मेन्यू आ जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये आप परपेंडिकुलर सेलेक्ट कर लिया आपने, अब ये लाइन ड्रा किया पहला, मान लो ऐसे ड्रा किया, अब दूसरा जो इसको छोड़ देंगे, फिर दूसरा ड्रा होगा उसके परपेंडिकुलर ड्रा होगा, ये जो पहला लाइन ड्रा हुआ है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस आपको दे रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर ड्रा, रेक्टेंगल ड्रा करना चाहते हैं आप इस तरह से रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं, आप देखिए सारे ऑप्शन आ रहा है, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, सी इज फॉर पेरीमीटर एंड एस इज फॉर एरिया, एस एरिया के लिए, सी पेरीमीटर सर्कमफेरेंस बोलते हैं, पेरीमीटर चारों लाइन का लेंथ जोड़ देंगे सी आ जाएगा, एरिया आपका लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सारा डायमेंशन जो भी लिखेंगे उसका सारा फीचर आपका जो भी ज्योमेट्री ड्रा करेंगे उसका जो भी मेजरमेंट है वो आपको यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अब आप पेंटागन ड्रा करना चाहते हैं, पेंटागन ड्रा कर सकते हैं, पाँच साइड होता है पेंटागन, ऐसा पेंटागन आप पेंटागन, ठीक है।
फिर आप मान लो एंगल मेजर करना चाहते हो दो लाइन के बीच में, ये आ गया ऐसे और दूसरा ये एंगल हो गया 48.49 डिग्री, ये दो लाइन के बीच का एंगल है। किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल मेजर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंगल मेजर कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लो ये दो लाइन, ये है दो लाइन, दो जो आपको पीसीबी पे लाइन है उसके बीच का एंगल मेजर करना चाहते हैं तो यहाँ से इस टूल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए पहले एंगल पे फिर से आएंगे। पहले देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, जो लास्ट आपने फिगर ड्रा किया उसको डिलीट करना चाहते हैं, आप अंडू प्रेस कर दीजिए। अगर पूरा स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एंगल के देखिए, रियल टाइम एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। ये दो ट्रैक है, ऐसे ही एक ट्रैक है, ठीक है। अब मान लो इसके बीच का एंगल हम मेजर करना चाहें तो आप क्या करेंगे, ये ट्रैक के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रा कर दिया, ठीक। अब इसको यहाँ पे जो लेफ्ट वाला क्लिक है उसको क्लिक कर देंगे। अब ये अगला यहाँ ऐसे, अब देखिए इन दोनों, ये ट्रैक जो मुड़ा है उसके बीच का एंगल है 132.86, इसके बीच का 132.86 ये है। अगर मान लो कोई पीसीबी को रिट्रेस करना है, पीसीबी का डायग्राम बनाना है, तो यहाँ से आप इसको यूज करके सारा डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, 132.86। ऐसे ही मान लो इसका देखना चाहते हैं, ये आ गया एक लाइन, दूसरा लाइन आप ड्रा कर लीजिए। अच्छा यहाँ गलत हो गया था, इसको अंडू कर देते हैं। चलो देखिए ये आ गया ऐसे, क्लिक कर दीजिए दूसरा लाइन इसके पैरेलल। ये भी देखिए, ये भी 138.38 है, ये ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये देखिए आप एंगल ड्रॉ करने का दूसरा तरीका है, दो लाइन है मान लो, एक लाइन ये हो गया, ये तो हुआ कि ये लाइन को टर्मिनस होता है किसी का ना, वर्टेक्स सेम है। अगर आप दो अलग अलग लाइन के बीच का एंगल करना चाहते हैं, देखिए ये एंगल आ गया दो लाइन के बीच का, एक लाइन ऐसे ड्रा किया हमने, ठीक है, और दूसरा लाइन मान लो यहाँ से ड्रा करते हैं तो अपने आप वो ज्वाइन कर लेगा उसको, सॉरी इधर जगह नहीं था, ऐसे दूसरा लाइन ऐसे अपने आप ज्वाइन कर लेगा। ये अपने ये ज्वाइनिंग से यहाँ पे क्या था, पूरा लाइन ड्रा कीजिए और जहाँ से मुड़ रहा है उसको भी ड्रा कीजिए। यहाँ पे क्या है कि आप एक लाइन ऐसे ड्रा कर लिया आपने और दूसरा लाइन मान लो यहाँ से, तो अपने आप वो वर्टेक्स ले लेगा, वो एक्सटेंड करके वर्टेक्स बना लेगा। ये एंगल ऐसे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्क ड्रा करना चाहते हैं, आर्क ड्रा करने का ही फीचर है, तीन पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, दो तीन, इस तरह से आर्क ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, एक दो तीन, इस तरह से आर्क ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसका देखिए आपको दे देगा ये सारा, इसका आपको कितना एंगल हुआ है, सेक्टर एंगल और डायमीटर पेरीमीटर ये सब दे रहा है आपको, ठीक है, इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ सारा। अभी तो आर्क कर सकते हैं, सर्किल भी आप कर सकते हैं, आप सेंटर सेलेक्ट कीजिए और इस तरह से सर्किल ड्रा कर सकते हैं, सेंटर सेलेक्ट कीजिए और जो भी रेडियस चाहिए ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं, जहाँ सेंटर रखना हो सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी रेडियस रखना, बड़ा रखना छोटा रखना, आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, और उसके जो भी पैरामीटर्स हैं यहाँ प्लेस कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ओके, अब वापस चलते हैं, ये सर्किल हो गया। अगर आप सर्किल एक तो हो गया कि सेंटर सेलेक्ट किया और रेडियस डिसाइड करके सर्किल ड्रा कर दिया, दूसरा कॉर्ड आप ले सकते हैं, जैसे ये लिया हमने दूसरा ये ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटर नहीं आप कोई पॉइंट लिया ऐसे और दूसरा ये पॉइंट ले लिया, डायमीटर आप चूज कर रहे हैं, ये एक पॉइंट है एक पॉइंट, ये दोनों ये दो दो जगह मार्किंग करेंगे आप, देखिए एक यहाँ मार्किंग किया एक यहाँ मार्किंग कर लिया, तो आपको ये डायमीटर एक तरह से सिलेक्ट कर लिया दो पॉइंट और फिर सर्किल ड्रा कर लिया। दो पॉइंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो सर्किल का डाया हो जाएगा, ठीक है, जो भी दो पॉइंट आपने सेलेक्ट किया इसमें उसके बीच का दूरी उसका डायमीटर हो जाएगा और सर्किल ड्रा हो जाएगा। अच्छा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी तीन पॉइंट सर्किल का डिफाइन कर देंगे तो सर्किल डिफाइन हो जाता है, उसका यूज यहाँ कर रहे हैं हम लोग, तीन पॉइंट डिफाइन कर दिया हमने, कोई भी तीन पॉइंट डिफाइन कर देंगे आपका सर्किल डिफाइन हो जाएगा, तो तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए आपका सर्किल डिफाइन हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स में एक रूल है कि इफ़ यू डिफाइन एनी थ्री पॉइंट ऑन द सर्किल गेट एब्सोल्युटली डिफाइंड, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो तीन तरीके से सर्किल बना सकते हैं, एक तो सेंटर सेलेक्ट किया रेडियस सेलेक्ट कर लिया सर्किल बन जाएगा, दूसरा आप डायमीटर यूज करके भी सर्किल बना सकते हैं,
तीसरा आप तीन पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, सर्किल बन जाएगा। एक ऑप्शन कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाने का भी है, वो भी आप देख लीजिए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल इसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ये, जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा करना है आपको, एक कॉन्सेंट्रिक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा कर सकते हैं, इससे कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। देन सेंटर डिस्टेंस, दो सर्किल के बीच का सेंटर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, एक आपका सर्किल ये बन गया आपका, दूसरा आप यहाँ बना लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस ये आ जाएगा, यहाँ डिस्टेंस आ गया, दो सर्किल के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब दो गोल कॉम्पोनेंट, दो राउंड टाइप का कॉम्पोनेंट है, एक पे सर्किल बना लिया, दूसरे पे सर्किल बना लिया, बीच के बीच का डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ये दो सर्किल देखिए यहाँ पे, आप क्या करेंगे, एक सर्किल यहाँ बना लेंगे, एक सर्किल यहाँ बना लेंगे, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको कोई लाइन है, दो कॉम्पोनेंट है, एक लीनियर है, एक सर्कुलर है, तो भी आप कर सकते हैं, ये आपका सर्किल बन जाएगा, दूसरा एक लाइन टाइप का हो जाएगा आपका, सेलेक्ट नहीं हुआ, हाँ ये देखिए, ये सर्किल हो गया, आप दूसरा ये डिस्टेंस, ये आपको बता रहा है सेंटर से डिस्टेंस, ये सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं फ्रीली पेन से, सॉरी कर्सर से, आप यहाँ लिख सकते, मैं अपना नाम लिखता हूँ विशाल, यहाँ लिख सकते हैं फ्री हैंड से। अगर आप टाइप करना चाहते हैं कोई नंबर, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ एरिया सेलेक्ट कर लिया, और वहाँ पे आप फिर टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी टाइपिंग कर लीजिए आप, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, फिर इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। देन एरो बनाना चाहते हैं, एरो बन जाएगा आपका, कहीं भी एरो बना सकते हैं, ये सारा काम करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ये सेव हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आप एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सेल एक्सेल फाइल टाइप का बन के एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, डेटा टाइप, जैसे हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, और स्क्वायर का क्या क्या आप पैरामीटर वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेंथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, विड्थ डिस्प्ले करना चाहते हैं, पेरीमीटर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एरिया डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो सब यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ लेंथ और विड्थ ही डिस्प्ले करवाऊँ, तो इसको आप अनचेक कर दीजिए, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एरिया और पेरीमीटर अनचेक हो गया, अब कोई मान लो स्क्वायर ड्रा करेगा, अब उसको एरिया पेरीमीटर नहीं दिखाएगा, यहाँ सिर्फ लेंथ और विड्थ दिखाएगा, ठीक है। तो क्या आप इसके फीचर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, पेरीमीटर एरिया, ठीक है, दोनों करेंगे, तो ये आपको पेरीमीटर भी दिखाएगा, एरिया भी दिखाएगा, स्पीड विड्थ लेंथ सब दिखाएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा यूज है नहीं, शॉर्ट एक्सिस लॉन्ग एक्सिस, एक्चुअली ये इलिप्स के लिए होता है, कि माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस दिखाएगा आपको, एंगल, ठीक है, ये जो मेन मेन फीचर है वो आप अनचेक चेक कर लीजिए, वो दिखाता रहेगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये जो हमने देखिए ड्रा किया है, हमने जैसे ये ड्रा किया है, अब इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, मान लो ग्रीन कर दिया, अब विड्थ को हेयर लाइन कर दिया, इसको अप्लाई कर दें मान लो, ठीक है। अब देखिए ग्रीन में ड्रा होगा, जो भी चीज़ ड्रा होगा ग्रीन में होगा, देखिए ग्रीन हो गया, बिल्कुल लाइट है ना कलर ऐसा, ठीक है। तो आप यहाँ सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो फिगर को ऐसे रेड कर दिया, इसको थिक कर दिया, तो यहाँ से जो भी ड्रा कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, उसका थिकनेस लाइन का और कलर, वो दोनों यहाँ से सेट हो जाएगा, ठीक है। कैलिब्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट ही रन लीजिए, कैलिब्रेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अभी तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है, एक मैंने कैलिब्रेशन चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का बनाया है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे एडिट करना चाहते हैं कैलिब्रेशन, तो जैसे मिलीमीटर में है, इंचेज में कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, लेंथ का जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं कि भाई हम चार डेसिमल प्लेस तक करना चाहते हैं, या दो, जैसे यहाँ पे देखिए चार डेसिमल प्लेस तक है, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सपोज को आप एक डेसिमल प्लेस तक रिक्वायर, तो 0.1 कर दीजिए, 0.0 एक्यूरेसी है, कितना डेसिमल तक आपको सारा चाहिए आप मेजरमेंट, ठीक है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं।
इसको आप डिफॉल्ट रखें बेहतर है, क्योंकि इसमें कैलिब्रेशन अच्छा हो रखा है। इसको अभी एडिट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको स्केल दिखा रहा है, अगर इसको दिखाना चाहते हैं तो इसको चेक करके रखिए, नहीं दिखाना चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए, ठीक है। दिखाना चाहते हैं यहाँ पर तो चेक कर दीजिए। ये दिखा रहा है कि 10 जो 100 पिक्सल है दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 100 पिक्सल के बराबर 1 मिलीमीटर है, ये कैलिब्रेशन, ठीक है। ओके, सो ये सारा हो गया हम लोग का, ठीक है, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये सारा देखिए, सारा फीचर्स मैंने आपको बता दिया, सारे इसमें जो सेटिंग है वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये पूरा सॉफ्टवेयर फंक्शन करता है, और दिस इज अ नाइस माइक्रोस्कोप, वेरी मच यूजफुल व्हेन यू आर डूइंग हाई एंड वर्क ऑन द पीसीबी, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।